बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अरवी। बहुत आसान, बहुत लजीज रेसिपी है और आपने इससे पहले इतनी ज़बरदस्त रेसिपी नहीं बनाई होगी। और आपके घर में अरवी नहीं खाई जाती तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाएगी। तो फिर हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा किलो अरवी है, हम छीलेंगे, छीलने के बाद गोल स्लाइस कर लेंगे। और इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून। नमक इसलिए ऐड कर रहे हैं, अरवी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इसमें जो एक लेस होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा इसे मस लेंगे। मसलने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो 20 मिनट बाद फिर हम इसे वॉश करेंगे। तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो ये वॉश करने के बाद देखिए कितनी क्लीन हो चुकी है। इसका सारा पानी हम इसे झाड़ेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हम इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है क्लीन करने का। अब हम इसे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे और ऑयल भी तेज़ गर्म होना चाहिए। तो बस हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है और इसे निकालेंगे। तो ये देखिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक ये हम रखेंगे तैयार। और अब हम हाई फ्लेम पे ये डाल देंगे। प्याज 250 ग्राम और टमाटर भी 250 ग्राम और 4 हरी मिर्ची ही बारीक चॉप करेंगे, सीड हटा देंगे। लहसुन अदरक 1-1 टेबल स्पून हम डाल देंगे। हाई फ्लेम पे हम ये सब भूनेंगे क्योंकि भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। और जब आप अरवी ले तो छोटे साइज़ की देख के लेगा, वो बहुत टेस्टफुल होती है। बड़े साइज़ की अरवी में टेस्ट भी नहीं होता और कुकिंग टाइम भी बढ़ता है। तो बस आप छोटे साइज़ की अरवी लीजिएगा। तो हम ये फ्राई हो रहा है तब तक मसाला बनाएंगे, अचारी मसाला जो बहुत मज़े का बनेगा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा और सौंफ 1 टेबल स्पून इनको हम दरदरा पीस लेंगे। तो मैं दरदरा पीस चुकी हूँ और कुछ और स्पाइसी ऐड करेंगे। दरदरा धनिया 1 टेबल स्पून, आधा किलो अरवी के हिसाब से मसाला बना रहे हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो मैं 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, खुशबू वाली हल्दी है बहुत ज़्यादा, तो 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। कलौंजी है ये 1/2 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देंगे। अचारी मसाला बन के तैयार है। बहुत ज़बरदस्त अचारी मसाला बना है, इसकी वजह से हमारा अरवी का जो सालन है या कढ़ाई अरवी बहुत मज़े की बनेगी। और ये भी भुन चुका है, इसमें से ऑयल निकल चुका है। अब हम हाई फ्लेम से लो फ्लेम कर देंगे। हमें मसाले ऐड करने हैं, जो अचारी मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे इसमें। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और 30 सेकंड के लिए भुनाई करेंगे। तो मैं बिल्कुल भी पानी इसमें शामिल नहीं करूँगी भुनाई करते हुए। आपको लग रहा है आपका मसाला जल रहा है या चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 3-4 टेबल स्पून, और 30 सेकंड भुनेंगे। 30 सेकंड बाद जो हमने अरवी फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हाई फ्लेम करेंगे या थोड़ी सी भी तेज़ आँच करेंगे तो ये मसालों का जो फ्लेवर है सब ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसमें अरवी डाल रहे हैं 30 सेकंड बाद। तो अरवी डालने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम ये अपनी ये साफ़ कर लेंगे प्लेट, और ऑयल है वो भी साफ़ करेंगे ताकि ज़ाया ना हो। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये छोटे साइज़ की अरवी ही जल्दी गल जाएगी और बहुत मज़े की भी होती है छोटे साइज़ की अरवी। तो बस ये मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें। पानी डालने के बाद फिर से हम इसे मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम में मिक्स कर रहे हैं ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और इसमें बॉयल आ चुका है, अब हम कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद लो फ्लेम करेंगे 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद या तब अरबी गल जाए तब कवर हटाएंगे और हाई फ्लेम करके भुनाई करेंगे। इसमें पानी नहीं है तो बहुत जल्दी भुनाई हो जाएगी। और फिर इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे जब ऑयल इसमें से अलीदा हो जाएगा। तो मैं ड्राई हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी अरवी हमारी बन के तैयार हुई। और आप भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपके घर में नहीं खाते तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत म्यारी, बहुत आला, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दुआ मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर होंगे। आपसे ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।